हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ बैक अगेन विद ए न्यू वीडियो और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल नर्सिंग ज्ञान। सो नर्सिंग ज्ञान के इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है हमारा जो नर्सिंग के लिए कुछ जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, समथिंग बेसिक्स जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में चलो हम बात करते हैं। जिसमें से नंबर 1 पे जो आता है हमारा स्टेथोस्कोप, नंबर 2 पे जो है प्रेशर मेजरमेंट मशीन। ये जो बेसिक चीज होता है, ये बेसिक चीज नर्स और डॉक्टर दोनों को ही यूज करना पड़ता है डेली लाइफ में। सो इसको एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका जो मेन काम क्या होता है, ये कितने अलग अलग पार्ट होता है। हमारा जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप कितने कितने पार्ट में डिवाइस है। सो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा न्यू टॉपिक है उसको शुरू। इस यूजेबल थिंग में हमारा जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है हमारा जो है स्टेथोस्कोप। सो ये जो स्टेथोस्कोप है ये किस तरह से यूज होता है, चलो पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देन आपको बताते हैं एक एक पार्ट। सो चलो फिलहाल के लिए ये जो है हमारा अनबॉक्सिंग तो हो गया, देन देखते हैं ये जो है, ये जो स्टेथोस्कोप है किस अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सो ये है पूरी हमारा स्टेथोस्कोप। सो ये जो स्टेथोस्कोप है बहुत ही एक मैट फिनिश है, ये जो मेटल ट्यूब है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का ये बना है। सो स्टेथोस्कोप का जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कि ईयर नॉब। और सेकंड पार्ट में जो आता है स्टेथोस्कोप का वो है हमारा जो है मेटल ट्यूब। ये जो है, ये है हमारा मेटल ट्यूब और यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर ये पार्ट, ये होता है रबर का बना हुआ। यहाँ पे जो है पीबीसी और न्यूक्रीन ये दोनों ज्यादा आता है, इसीलिए ये जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और जो है अलग अलग पदार्थ यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ पे जो ये पार्ट आता है, चलो इसको अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं, देन आपको बताते हैं। तो इसका जो है अनबॉक्सिंग हो गया, ये जो है प्लास्टिक से मुड़ा था, ठीक। ये जो स्टेथोस्कोप है, इस स्टेथोस्कोप का ये जो पार्ट होता है यानी कि सामने की तरफ जो पार्ट होता है, ये सामने की तरफ पार्ट है, इसको हम कहते हैं कि डायाफ्राम। और पीछे की तरफ एक छोटा सा जो छेद है, इस छोटे से छेद को हम कहते हैं कि बिल। और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरह से देखोगे तो ये पे, यहाँ पे एक छोटा जो पार्ट है यहाँ पे ये घूमता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ये घूमता है। इसका मेनली काम क्या होता है, आप जब किसी का पल्स रेटिंग या हार्ट बीट चेक कर रहे हो, इसका जो है हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा काम पे आते हैं। सो इसका जो फुल बॉडी होता है, ये फुल बॉडी, इसका नेम है चेस्ट पीस। ये जो हमारा चेस्ट पीस में डायाफ्राम होता है यानी सामने की तरफ जिस पार्ट होता है, चेस्ट पीस में डायाफ्राम का मेनली काम है हमारा बॉडी में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, इस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को ये जो ईयर नॉब है, इस हाई फ्रीक्वेंसी को ईयर नॉब के जरिए हमारा हेयर कंज्यूम करता है। ये जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम का मेन काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को कंज्यूम करना। और पीछे की तरफ तरीके से देखो तो यहाँ पे छोटा सा जो है, छोटा सा छेद की तरफ बनावट होती है, इसका जो नेम है, इसका नेम है जो बेल। बेल किस काम में आता है, हमारा बॉडी के अंदर जो स्मॉल एंड लो फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं उस लो फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुनने के लिए जो है ये बेल काम में आता है। देन आ जाते हैं हमारा जो ये चेस्ट पीस में सामने डायाफ्राम की तरफ एक छोटा सा रबर की तरह ये जो है, ये जो है एक रबर की तरफ यहाँ पे बनावट होके रहता है। तो इस रबर का क्या नेम है, इस रबर को हम बोलते हैं चिल्ड रिंग। ये जो चिल्ड रिंग होती है ये किस लिए बनावट होता है, आप जब स्टेथोस्कोप को यूज कर रहे हो यानी कि इस तरह से आप बॉडी में इसको टच कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, तभी जो ये चेस्ट पीस, ये जो चेस्ट पीस होता है हमारा जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम ताकि इधर उधर से ना हिले, इसीलिए ये जो है चेस्ट पीस काम में आता है उसको एक जगह ठिकाने पे, और जो है हमारा मेजरमेंट एकदम सही आता है। और सेकेंड जो इसका बेनिफिट होता है, ये हमारे देखो ये थोड़ा जो है, ये थोड़ा डायाफ्राम अंदर है यानी चेस्ट पीस या चेस्ट रिंग जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ है। अब जिस पेशेंट को चेक कर रहे हो तभी जो है स्किन के साथ एक हाइट बना के रखता है ये, इसीलिए जो चेस्ट रिंग का काम होता है। देन आता है ये जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप किस तरह से हम यूज करें। सो चलिए देखते हैं, इसको जब आप लगा रहे हो, यहां से इसको पकड़ना होगा, देन इसको लगा देना होगा। सो आप जब ईयर पीस को लगा रहे हो तभी आपको यहाँ पे देख लेना होगा इसका जो फ्रीक्वेंसी है,
फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं या नहीं, नहीं तो यहाँ पे आप इसको लो हाई कर सकते हो। सो चलो इसको हाई कर लिया, अभी फ्रीक्वेंसी ठीक तरह से आ रहे हैं। सो आप इसको जब दिल में इसको लगाते हो तो एक साउंड और आवाज सुनाई देगा। एक तरह से आपको साउंड आवाज आएगा। सो साउंड के जरिए जो है पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है और पल्स रेटिंग और हार्ट बीट आप इसके जरिए चेक कर सकते हैं। जब आपको थोड़ी सी रेजोनेशन या थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आवाज सुनना चाहती हो तो हमारे यहाँ पे जो बिग इंसेस्ट का पार्ट होता है, बिग इंसेस्ट के पार्ट में आप सुन रहे हो तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर कर देना होगा, ताकि जो है स्मॉल से स्मॉल हमारा पार्ट्स की जो साउंड है, साउंड हेयर पे सही तरह से आए। सो देन बात करते हैं, सो ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये किस तरह से प्राइस में लिमिटेड होता है। सो इसका जो शुरुआत है, इसका शुरुआत 2, 3, 4, 5, 600 से शुरू हो जाता है। देन आपको थोड़ी अच्छा लेना होगा, टिकावट लेना होगा, 2-3 साल चलेगा। किसी भी कंपनी का जो है आप देख के खरीद सकते हो 1000 और 1500 में। सो ये जो है फिलहाल के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ, सो ये है डॉक्टर जो मॉर्फिन का, ये जो है डॉक्टर मॉर्फिन का है, और ये जो प्लेट बनावट है ये है पूरी स्टेनलेस स्टील का, और इसका जो कि है डायफ्राम भी स्टेनलेस स्टील का बनाया है, और जो डायफ्राम के बाहर एक कवर की तरह है वो एक कवर इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, एक कवर और 2 ER knobs इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। सो इसका जो मार्केट में प्राइस रेंज में आ रहा है वो है 2500 के करीब। सो आप इसको ले सकते हो, यूज कर सकते हो, बहुत ही एक बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये 3-4 साल आसानी से चल जाएगा। सो ये जो है ये किस तरह से काम में आते हैं और किस किस अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, और इसका जो है मिड रेंज प्राइस भी आपको बता दिया, मार्केट में किस तरह से इसको अवेलेबल मिलेगा वो भी आपको बता दिया। सो फिलहाल के लिए मेरा चैनल नर्सिंग चैनल है, लेकिन आप लोगों के सामने मैं जो अनबॉक्सिंग करके भी एक चीज दिखा दिया। सो फिलहाल के लिए वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। कल न्यू वीडियो आएगा वो है हमारा जो है ब्लड प्रेशर, किस तरह से चेकअप करते हैं ब्लड प्रेशर को, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होती है, और जो है इस किस किस अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड होता है, इसका अनबॉक्सिंग भी कल ही करेंगे। सो फिलहाल के लिए वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन मेरा चैनल देखते रहिए नर्सिंग यार, और आप लोगों का मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकॉन है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट वीडियो आएगा ताकि वो आपके सामने बहुत ही अच्छे तरह से पहुंच सके। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।